आपका नाम बताओ सर। कुलवीर जी, पांडवान रहने वाले कहाँ के? चरखी गांव है जी, चरखी दादरी से आगे दादरी के पास। उम्र आपकी 48, 48 साल है ना? जी आपके बताया था लंग्स कार्सिनोमा। जी आपने कहीं इलाज भी किया? सीधा मेरे पास आ गए? वहीं स्पीक करवाने के बाद सीधा इधर ही आ गए। किसने बताया मेरे बारे वहीं में? के बीकानेर में वो मिली जी मैडम, हेमलता नाम से है, उनके अच्छा, उधर 35-36 तो कीमो लगे हुए थे, आवाज बंद हो चुकी थी उनकी बिल्कुल 6 महीने उनकी से। 6 महीने से आवाज बंद थी उनकी। हाँ, ठीक है। मेरे मामा जी की लड़की के साथ टीचर है वो, अच्छा, तो उसका कुदरती फोन आ गया। उसने पूछ लिया मेरे से कि भैया आप किस लिए, माई सिस्टर टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है, ला रिपोर्ट आने के बाद मेरे को बताना। फिर अच्छा, वो रिपोर्ट आई, मैंने बताया, उसने कहा यहाँ लुटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ऐसे आपके पास ही है एक अटेली मंडी, अच्छा उनसे फिर फोन लेके मैंने आपसे बात की। वैसे अच्छा अच्छा तो आयुर्वेद पर मेरा भरोसा भी पहले था, क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था अच्छा, जोधपुर, किस चीज़ का ऑपरेशन? इसका लंग्स में ये जो गांठ है इसका गांठ है वो निकाल देंगे निकाल ऑपरेशन देंगे, से। ठीक है। और इसके बाद वो बोले कीमो लगेंगे 2 चार, अच्छा, आप ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाओगे। मैंने उनको साफ मना कर दिया, मैं आयुर्वेद से ही लूंगा। पहले तो हम आयुर्वेद से लेकर देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। और आपको उन्होंने बताया? उन्होंने बताया जी, उनके तो कीमो लग चुके थे, वो तो जी 6 महीने से बोल भी नहीं पाती थी, लिख के बताती थी, लिख के बताती थी। वीडियो ये कॉल करके उसने बात की मेरे से। वीडियो कॉल तब करके मामा जो जी की लड़की जिसकी ने कहा कि भैया ये 6 महीने से अनबोलती मेरे साथ टीचर है, बोले 2-3 दुकानें बीकानेर में वो बिक चुकी हैं, पूरी लाइफ की सर्विस की जो तो इनकम थी वो लग चुकी है, भाइयों ने अपनी जमीन भी बेच दी अपनी सिस्टर के लिए, सब साढ़े कुछ। चार साल से ट्रीटमेंट ले रही थी। मैंने कितना पैसा लगाया उन्होंने सब कुछ, इतना बेचा तो? पूछा था जी, बोला पूछो ही मत भैया, और ताप की तो बोला गुंजाइश भी नहीं है माँ जी मेरी, तो नहीं है जमीन बेच दिया, सब जमा पूंजी सारी लगा दी। तो इस तरह से ट्रीटमेंट होने के बाद उनकी आवाज चली गई सब और कुछ। उनको मिली जी धनाणा से कोई टीचर है उसके पास अच्छा, लेडीज, हाँ उनका कोई रिश्तेदार है दिल्ली के नजदीक, अच्छा वो आपसे दवाई लेके गया था, अच्छा तो वो साथ सर्विस कर रही थी ना, बीकानेर वालों ने उनको बोल दिया कि भाई आपका जीव निकलेगी ऑपरेशन होगा, अच्छा, तो वो बोले देख 10-15 साल से इकट्ठी सर्विस कर रहे हैं, सगी बहन जैसा नाता है अपना, अच्छा, मर तो तू ले, हाँ लेकिन तो एक बात मेरी मान ले, हमारे रिश्तेदार थे ऐसे ऐसे बेल्ट पर थे, और आज वो किसान खेती भी करते हैं, पशुओं का काम भी करते हैं, डेयरी चलाते हैं जो, और आप 1 महीना मेरे लिए सोच लो, मैं कहूँ वहां से 1 महीना दवाई ले, अच्छा उसने उनको बताया, फिर वो आपके पास आई, वो ठीक है। फिर दूसरे शख्स ने आपको बताया, मतलब उस हेमलता ने मेरी को बता दिया। 3 बंदों की आज चैन चली है। पहला शख्स ठीक हुआ, उसने दूसरे को बताया, दूसरा जिसका बिल्कुल आवाज बंद था वो बिल्कुल ठीक होने के बाद तीसरे को बताया। आज ये तीसरे शख्स आपके सामने जो अपनी कहानी बताएंगे, जिनको वीडियो पर शक लगता है कि भी ऐसी बातें हैं, तो ये इनका चेहरा है। काम क्या करते हो? मैं घर में जमींदारा ही करता हूँ जी, जमींदार। कुछ आपसे मिलना और चाहे नहीं, तो क्या, मिल सकते हैं जी, किस जगह पर पहुंच के, क्या लोकेशन पहुंचे? चरखी दादरी से लोअर रोड पर मेरा गांव है पांडवान। चरखी दादरी से लोहारू रोड पर इनका गांव है पांडवान। क्लियर हो गया, इनका चेहरा रहा, इनका वीडियो मिल सकते हैं। ठीक है। अब इनकी बातें आप बताओ, मेरे पास जब आप आए आपको क्या क्या दिक्कतें थी? वो टेस्ट होने के बाद जी एक तो एक कदम चला नहीं जा रहा था, इस चेयर पर बैठा हूँ, इस चेयर पर बैठने की हिम्मत नहीं थी बगैर सहारे के, एक चेयर से दूसरे चेयर पर बैठने के लिए बिना सहारे के नहीं बैठ सकते थे? नींद बिल्कुल खत्म, नींद बिल्कुल खत्म, भूख बिल्कुल खत्म, पानी ठीक भी अगर जीभ पर डालते थे तो जहर में महसूस हो रहा, और मैं चाय और बीड़ी का शौकीन बहुत था, उस है। वजह से ही मेरे को हुई थी, और यहाँ आने के बाद दोनों बंद करवा दिया, तंग दोनों बंद हो गई जी, 3-4 दिन तो बहुत तंग पाए, पाए, अब मन में नहीं आता, अब मन में नहीं आता। अब तो जैसे बैठे हैं ना गांव में बैठते ही हैं बुजुर्ग वगैरह, अगर हुक्का पी रहे हैं धुआं नाक से निकल गया तो फिर खांसी आनी शुरू हो जाती, फिर दूर बैठना पड़ता है। कब्जी रहती थी आपको, हाँ, पेट साफ नहीं होता था, पेट साफ नहीं होता था? अच्छा, भूख भी बिल्कुल खा लिया तो खा लिया लेकिन इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं थी। चलो, उसके बाद आप दवाई लेके गए उस आप? दवाई में तो ये समझो जी 20 दिन में से 15-12 दिन की मानू, अच्छा 4-5 दिन में तो एडजस्टमेंट हो पाए, कोई गौमूत्र के लिए गाय का दूध, अच्छा और कभी 11 आ गई, कभी सूर्य ग्रहण आ गया, 5-7 ये दिन तो वैसे ही भी तो चला वैसे गया। ही चले गए। तो आप जो मेरी दवाई लेके गए थे 20 दिन का एक बार पूछेंगे फिर आज तो। हाँ, उस 20 दिन में पहले 10 दिन में मैं 5-5-6-6 किलोमीटर घूमने लगे, अच्छी तरह भूख लगने लगी, पूरी नींद आने लगी, अब मैं 7-7:30 बहुत मुश्किल लड़ा जाता, नहीं तो सो ही जाता हूँ, 3 बजे खड़ा हो लेता पर हूँ, भूख भूख जबरदस्त लगती है, जो पानी पीने में भी बता रहे थे दिक्कत थी जी, दिक्कत थी, और आज कहते आप कितनी। गले में थूक भटकता था, हाँ, तकलीफ होती थी, अब खाना ले रहा हूँ कोई तकलीफ नहीं। कोई तकलीफ नहीं है।
जो एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर सहारा लेते थे, आज तो आप कह रहे कि आप बाइक चला के आ रहे हो। वो खड़ी जी नीचे, नीचे बाइक खड़ी है, साथ छोटा चाचा का लड़का भी है साथ नीचे बैठा है। कितने किलोमीटर चलाया अपने बाइक को? 85 किलोमीटर। कहाँ से आप आए? पानवान से। पानवान से दादरी, दादरी से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से पटेल। पटेल आप देख लो कि आज वो शख्स जो कि एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी में, आज इनको हो गए 45 दिन, है ना? हाँ जी। और ये लगा लो कि आज ये 40-45 दिन में बाइक की रनिंग करके आ रहा है, और ये कह रहा है मुझे किसी तरह से, आवाज भी आपकी नहीं थी बता रहे थे। हाँ बहुत है, अब तो बहुत कुछ है जी, शुरुआत में नहीं है, नहीं थी बिल्कुल, बोलने की कहाँ से ऐसी आवाज थी, ये इस तरह से स्लिप सा लग रहा था, क्योंकि लंग्स की प्रॉब्लम थी और डैमेज था, तो आवाज मुंह से बिल्कुल कैसे आए। फिर लेटता था तो इसी करोट के ऊपर, सीधा भी नहीं लेटा जाता था, सीधा भी नहीं, राइट साइड एक मिनट पूरी नहीं होती थी, अब सीधा भी 15-20 मिनट लेट लेता हूँ, इस साइड सो जाता हूँ, इस साइड सो जाता हूँ, अंदर से गड़ गड़ की आवाज आया करती, नहीं आती, नहीं आती, बलगम अब भी आ रहा है, वो निकाल रहे हैं। एक और अब वो आया है जी, जैसे मेरी आई साइड वीक हो गई थी, अच्छा ये छोटी सुई होती है ना जी, हाँ ये इसका धागा नहीं पुआ करता, अच्छा अब मैं वो पो लेता हूँ, पीली 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 आंखें हो रही थी, अब नहीं है वो। इनकी आंखें जो पीली थी, अब ये कहते हैं सुई में धागा पो लेते हैं। 30 साल से ये है जी मेरे। हाँ ये आटन, आटन इस पैर के तो ऑपरेशन भी करवाए हैं, अच्छा अच्छा पहले 1 हफ्ते में काटने पड़ा करते मेरे को, हाँ आज 1 महीना हो गया, पैर की आटन भी खत्म हो रही है। अब क्या बताओ किस की चीज में काम कर रही दवाई? आप तो सिर्फ एक ही चीज के लिए आए। और इसमें काले काले टिक्की थी जी इधर, अब नहीं है, जो ये कहते थे ना जी फोन पे भी, बीकानेर महीना लग गया मेरे को, तो लोगों को ये जैसे रहता है कि रिश्तेदार बहुत दिक्कत दे देते हैं, कैंसर है, मरेगा, फेटने आ जाने लग जाते हैं सहानुभूति के लिए, मैंने वहीं से कर दिया, मेरे पास कोई नहीं आएगा, मेरे को कैंसर है नहीं है, मैंने तो एलोपैथी की दवाई लूंगा, मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आयुर्वेद से ठीक हूँ तो ठीक हूँ, नहीं जिसकी बीमारी नहीं है मरता वो भी है, क्योंकि आने जाने वाले लोग इतना डराते हैं। हाँ सिस्टर से ज्यादा एज नहीं करता कोई, हाँ क्योंकि मैं अनमेरिड हूँ, माँ पिता और माँ है नहीं, फिर भी सिस्टर को भी मैंने बोल दिया नहीं, तो आज तक वो मिलने नहीं आई, 1.5 महीना हो गया, अब मैं ही दवाई लेने के बाद मैं ही मिलके आऊंगा। आपकी वीडियो चली जाएगी अब तो, अब सिस्टर को पता चल जाएगा। देखो मैं ये मैंने उनको ये नहीं बताया जी अब तक घर वालों को मेरे लंग कैंसर है, क्योंकि उनको गाँव वालों ने कहा कि क्या ढंग है, एडमिट है ये है वो, और था मैं मामा जी की लड़की के पास, एक दिन भी एडमिट नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ मैंने 22 भी दी है जोधपुर डॉक्टर को, वो भी 4 घंटे लगे थे। और अगर आपको ये कीमो लगा देते तो? मैं लगवाता नहीं जी, मरना मंजूर था, मेरे को पता था, क्योंकि मैं 14 साल की उम्र में हॉस्पिटल में रहने लगा था, पिताजी के पैरालिसिस रहा 5 साल, चारपाई पर रहे, मैंने सारा कुछ किया उनका, हार्ट पेशेंट रहे 87 से जब मैं 12-13 साल का था, उस टाइम से लेकर 2013 तक हाथों पर रखा है पिताजी को, माता जी ने सेवा नहीं करवाई जी मेरे से, वो तो अचानक ही ब्रेन हेमरेज होके हो गई थी, गांव का कोई भी बुजुर्ग दुश्मन दोस्त नहीं माना मैंने, टीवी के मरीज के साथ भी मैं टीवी के वार्ड में 1-1 महीना बगैर मास्क लगाए रहा हूँ, जैसे हिसार जिंदल में आप PGI में किसी को ब्लड देना है मैंने मेरे पास से दिया, ठीक है, और अब मैंने ये होने के बाद एक मेरे सही है ये सही हो गया, क्योंकि पता लग गया अपना कौन है। देखो इस वीडियो को लेकर मैं एक ही बात रखूंगा कि आज कैंसर को लेकर आप लोगों के मन में जो भय रहता है ना, आज इन्होंने ये बात कहा कि किसी कोई रिश्तेदार को आने की जरूरत नहीं है, कोई मुझे सहानुभूति देने नहीं आएगा, ठीक है, मैं आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट कराऊंगा, और एलोपैथ से भी तो लोग मरते हैं, ठीक है, इन्होंने जो बात रखी ना बड़ा सटीक बात रखी इन्होंने, शरीर तो उतना काम नहीं दे रहा जी, हाँ लेकिन हिम्मत बहुत ज्यादा है, हिम्मत बहुत ज्यादा है, काम करने को जी करता है, काम करने को मन करता है, जो एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी बैठने के लिए सोचता था, आज वो कहता है कि मैं खुद ही, मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद ही चल के जाऊं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है मेरा, मैं नहीं जानता कि रिपोर्ट में क्या है किसके, वो जाने रिपोर्ट कराने वाले, मैंने आपका कोई रिपोर्ट कराया क्या? किसी तरह से कोई जांच नहीं मानता मैं, जिनको लगता है कि जांच करवाएंगे आप ये ठीक हुए नहीं, क्या ये इतनी बातें बता रहे हैं कि अब आराम से खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, बाइक चला के आ रहे हैं, और जो गांठें इनकी पैर की जो आटन ठीक हो गई, भूख अच्छी लग रही, जो कि पानी पी भी नहीं पाते थे, क्या ये जांच नहीं, यही तो जांच चाहिए था, लेकिन नहीं रिपोर्ट करवाएंगे, लोगों की आदत है कि एक रिपोर्ट थी इनकी कैंसर, दूसरी की लगा के दिखाओ है कि नहीं, चलो ये रिपोर्ट है तो कम से कम कैंसर बता सकते हैं लोगों को, लोगों को कम से कम डर तो निकलेगा। आप वो रिपोर्ट को फेंकना मत जी, नहीं नहीं जी, उसको तो
लेमिनेशन करा के रखना और फ्रेम करा के अपने दीवार पर लगा देना। अब मेरी आवाज थोड़ी सी और आगे तो लोग मानेंगे नहीं कि मैं बीमार हुआ। सर अभी तो आप बाइक चला के आ रहे हो, मैं तो यही कह रहा हूँ। हाँ वो अब बोल रहे हैं आवाज नहीं आएगी, मैं तुम्हारी चिंता नहीं है, कोई विश्वास दिलाने वाला तो मुश्किल से 1% मिलेगा। इतना लंग्स डैमेज हो मुझसे आवाज आज वीडियो में बोल तो रहे, इतनी बड़ी बात आज खा तो रहे, आज घूम तो रहे, अब सर किसी को प्रमाण नहीं देना। नहीं मैं नहीं देता, मुझे किसी को प्रमाण नहीं देना, मैं जो हूं अब मेरे सामने वीडियो है, माने नहीं माने छोड़ो उस बात को जी। जीवन के अंदर एक ही बात रखी हमने, ना हम किसी का बुरा करेंगे, ठीक है, और ना बुरा किसी को करने देंगे अपना। अब कल भी करी थी एक, आज भी करी थी, मैंने उसको बताया था, बोला तेरे आराम है। हाँ। मेरे को घूमता हुआ देख रही थी वो। हाँ। उनकी आपकी उम्र की एक लड़की है, 32-34 की, मुंह लग लिए, नलकी डली हुई है, हिम्मत बहुत है, 4.5 साल हो गए। आज मैं चला ना उस टाइम में फोन आया उनका, बोला उनकी वीडियो डाल भाई, मैं बोला चक्कर में पड़ने की जरूरत को नहीं उड़ा इलाज ना। हाँ। मन्नत मेरा टाइम पूरा करना है भाई, बस नहीं सही कहा इन्होंने, क्योंकि तीन दफा तो खुद कह रहे थे। हाँ। तो चल तेरे को ये कहेंगे रुक जा, डॉक्टर साहब बैठे मिले ना मिले तेरी दवाई खत्म हो जाएंगी, तो अब वो आएंगे और 5 दिन में 7 दिन में आ जाएंगे। सही है, शुरू में बोला समझ में नहीं आया, प्रमाण चाहिए उनको, ठीक है, अब कोई प्रमाण नहीं देना किसी को, किसी को नहीं देना। मैंने तो उनको ये कहा था कि दीपक शर्मा नाम से यूट्यूब पर चैनल है, आप देख लो जी। हेमलता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो डैमेज थी, मेरे लिए तो वो भगवान है, इनके लिए तो वही भगवान है, उन्होंने इनको रास्ता दिखाया। बिल्कुल धन्यवाद जी, नया जीवन दिया आपने। नहीं जी मैंने नहीं, नहीं गौ माता ने दिया। आज मैं बता रहा हूँ मैं आपको सच, आपके जो जीवन बचा है ना जी, इसके पीछे गौ माता कहाँ थे, जो आप ताजा गौमूत्र पीते हो ना जी, यही बात है। और गाय की सेवा, और गाय बंधवाओ जी घर में, मैं तो आपको गाय तो अब जी घर जैसे ही होगी, मैं 2 महीने की गाय हुई है, बहुत बढ़िया देसी गाय है। जीवन जो बचा है ना जी, वो गौ माता का जीवन बचाना है, हमारा एक ही मकसद रहा शुरू में, मैं जो आपके सामने बैठा हूँ मैं सिर्फ गौ माता की वजह से। हमारे जी साहिवाल बहुत ज्यादा है, कोई रखता है वो भी तो उसका भी तो उत्तर यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारी 300 प्रजातियां थी गौ माता की, अब मुश्किल से 30 प्रजातियां बची है, बाकी खत्म कर दी गई है। क्यों? क्योंकि सबको बिजनेस करना है, अगर गौ माता रही तो बीमारी नहीं पड़ोगे आप। मैं नहीं कहता कि सिर्फ एलोपैथ को बोले हम, और क्यों बोले हम किसी को गलत, कौन सा सही है, कहीं आप तो बोले आयुर्वेद में घूमे हैं, तो हम किसी को नहीं बोलेंगे सही और गलत, हम तो एक ही बात कहेंगे कि जो मैंने मेरा जीवन बचाया वो मेरी गौ माता ने बचाया, और राजीव दीक्षित का वीडियो था वही आपको मैंने बताया। आज इनका जो जीवन बचा, मैंने तो एक दवाई का सपोर्टेड मेडिसिन दी इनको, लेकिन अब इनका जो जीवन बचा वो बचाई गौ माता के द्वारा है। आप गाय को बचा लो तो आप बच जाओगे, अब हम जैसे डॉक्टर के चक्कर में पड़े रहोगे तो फंस जाओगे। गलत नहीं बोल रहा मैं, अपनी वीडियो में अपनी बातें आपको स्पष्ट रख रहा हूं, मेरे पास ना आना पड़े, मेरी दवाई ना लेनी पड़े, तो आप गौ माता के पीछे लग जाओ। और नंदी को खत्म कर रहे हैं, गाय तो बचा लोगे लेकिन गर्भधारण अगर टीके इंजेक्शन से हुआ है तो भी वो गौ माता किसी काम की नहीं है, तो नंदी को ही बचाओ। ये लोग नंदी को खत्म कर रहे हैं, नंदी नहीं रहेगा फिर देखते कहां से आएगी। तो ध्यान रखना, अब आपका जो जीवन बचा है, एक बछड़ा और एक बाछी, आपने बीज बचा लिया, आपका जीवन सफल, ठीक है जी, ठीक है भाई।